महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में पहली बार सीएम शुक्रवार को पहुंचे। हेलीपैड पर राज्य मंत्री समेत नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को दोपहर 1:54 पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर पहुंचे। हेलीपैड पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद आर के पटेल, जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला आदि ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेलीपैड से सीधे कार के जरिए असावर मंदिर पहुंचे। मंदिर में मां असावरी माता के दर्शन कर पूजा किया। वाल्मीकि आश्रम के महंत भरतदास महाराज ने उनकी आगवानी की। मुख्यमंत्री असावर मंदिर में असावरी माता और महर्षि वाल्मीकि की पूजा करने के बाद पर्वत के शिखर में वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। यहीं पर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वो अपने कार्यकाल के दौरान सातवीं बार चित्रकूट पहुंचे। इससे चित्रकूट के विकास को पंख लगने की उम्मीद है। इसके पहले दौरों में सीएम बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने की घोषणा कर चुके हैं, जिस पर अमल भी हो रहा है। उसी क्रम में वाल्मीकि आश्रम में भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने पावन क्षेत्र में जन्म लेने या फिर अपने जीवन के अमूल्य समय को यहाँ पर व्यतीत करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, मैं अक्सर भरतदास जी से भी कहता था और जय महाराज से भी कहता था कि मुझे लालापुर आना है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और उनकी कुटिया का दर्शन करना है मुझे। आज से हजारों वर्ष पहले आप कल्पना करिए, जब भगवान राम प्रयागराज में पधारे और उस समय उन्होंने महर्षि भारद्वाज के आशीर्वाद लेकर के चित्रकूट के लिए जब प्रस्थान किया था, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का भी आशीर्वाद दिया था, उनका सानिध्य ग्रहण किया था और फिर यहाँ पर उस समय रुकने के बाद फिर चित्रकूट के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। हजारों वर्षों की विरासत को समेटे हुए यह क्षेत्र भारत की रामायणकालीन पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का स्मरण हम सबको कराता है। इसलिए मैं स्वयं भी इस धरती का दर्शन करना चाहता था। महर्षि वाल्मीकि का ही आधुनिक उस रूप है हमारे इस कालखंड के ऋषि पूज्य बाबा तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से घर घर तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा को पहुंचाने का कार्य किया। महर्षि वाल्मीकि ने राम को उस धर्म का साक्षात स्वरूप कहा, रामो विग्रहवान धर्म कहकर के राम को धर्म का एक साक्षात स्वरूप उन्होंने माना। और उस समय याद करिए, आज हमारी सनातनता पर कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों के बारे में भी महर्षि वाल्मीकि ने कहा है। कौन है सनातन, कौन सनातन है? कृते च प्रति कर्तव्यम् एषः धर्म सनातन, यानी सनातन धर्म के उन मूल्यों को उस कालखंड में हजारों वर्ष पूर्व भी इसी धरती पर अपनी साधना स्थली को बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि ने सनातन धर्म को इस रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत कर दिया। और ऐसे पूज्य ऋषि की जयंती के कार्यक्रम में वाल्मीकि रामायण के पाठ का शुभारंभ करने का सौभाग्य मुझे आज यहां पर महर्षि वाल्मीकि की ही उस साधना स्थली पर हजारों वर्षों के बाद इस धरती का दर्शन करने, वहां पर वाल्मीकि रामायण के पाठ को अर्थात उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा हर एक देव मंदिर में प्रारंभ होने जा रहा है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे यहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री
अधिकारियों के साथ और यहाँ के आप सभी जनता जनार्दन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आज मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं महर्षि वाल्मीकि जी और श्री नारायण देशमुख की जयंती कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएस अरस न्यूज, चित्रकूट।